किन्नौर जिले के यांगपा सेकंड गांव को अलग पंचायत बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ग्रामीणों ने अभी तक यांगपा सेकंड गांव को अलग पंचायत बनाने के सरकारी आदेश जारी नहीं किए जाने पर कासरीम में शनिवार को सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि आज शाम तक यांगपा सेकंड गांव को पंचायत बनाने की सूची जारी नहीं की गई तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। ग्रामीणों ने कासरीम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश भर में नई पंचायतों के गठन करने की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, लेकिन उसमें यांगपा सेकंड गांव का नाम उसमें शामिल नहीं है। ग्रामीणों का कहना था कि यांगपा सेकंड गांव अलग पंचायत बनने के लिए हर दिशा से फिट है। यांगपा सेकंड में 1100 से अधिक की लोगों की आबादी है और 600 से अधिक वोटर है। बावजूद इसके यांगपा सेकंड गांव को अलग पंचायत नहीं बनाया जा रहा है। सिटू नेता दिनेश नेगी, सुखराम नेगी और मदन नेगी ने कहा कि यांगपा सेकंड भूगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से अलग पंचायत बनने की औपचारिकताएं पूरी करता है। यहां के लोग फर्स्ट यांगपा से यांगपा सेकंड को अलग पंचायत बनाने की मांग सालों से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार ने इस बार भी अलग पंचायत बनाने के नाम पर धोखा दिया है। उधर यांगपा सेकंड गांव से संबंध रखने वाले युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सितेंद्र नेगी, हलीप नेगी और रिखीराम नेगी ने कहा कि यांगपा सेकंड गांव अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोगों का गांव है, इसलिए यांगपा सेकंड गांव को साजिश के तहत अलग पंचायत नहीं बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोले पटू को प्राथमिकता के आधार पर पंचायत का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। पटू को प्राथमिकता के आधार पर पंचायत का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। खाली आश्वासन नहीं, पंचायत का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। ग्रामीण पटू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ग्रामीण पटू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे लप्पे नहीं गलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम युवा कांग्रेस यांगपा सेकंड अपनी मांगों को लेकर सरकार से निवेदन करते हैं कि आज जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 284 पंचायतों का पंचायत घोषित की है, जिसमें जिला किन्नौर यांगपा सेकंड जो है पंचायत का नाम में हम यांगपावासी ढूंढते रह गए। जिला किन्नौर यांगपा सेकंड की पॉपुलेशन 600 से ज़्यादा है, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जो वोटर है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जिला किन्नौर में पहले नंबर में पंचायत का दर्जा यांगपा सेकंड को दिया जाना चाहिए था, और यह भेदभाव अनुसूचित जाति के लोग यहां रहते हैं, ऐसे जात पात की राजनीति ना करते हुए जिला किन्नौर में सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि वह यांगपा सेकंड को शाम तक पंचायत के रूप में घोषित करें। हम अभी सरकार से निवेदन करते हैं कि वह पंचायत के रूप में घोषित कर स्थानीय लोगों को खुशी ये करें। हिमाचल प्रदेश में आज नई पंचायतों का गठन हुआ है, इसके साथ साथ जो है ज़िला किन्नौर में भी हुआ है। जो यांगपा टू की जो मांग थी 2009 में भी मांग थी, 2014 में भी थी और 2019 में भी थी। ग्राम सभा का प्रस्ताव भी पारित हुआ था और गवर्नमेंट का प्रपोजल भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यांगपा टू को पंचायत नहीं बनाया गया। ये जो है किसकी कमी आ रही है, क्या रही है, इस चीज़ को जो है जानने की ज़रूरत है। इसमें हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं ये यांगपा सेकंड के साथ भेदभाव हुआ है, और ये चाहे कमी कहे चाहे इसे साजिश कहे, इसे जो है हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि यांगपा टू को जो है पंचायत का दर्जा जो है आज दिया जाए, आज शाम तक दिया जाए, अन्यथा जो है परसों से जो है हम दोबारा आंदोलन में कूदेंगे। आज तो ये सिर्फ छोटी सी हमारी जनसभा थी और सरकार से मांग थी, और आगे आने वाले समय में नहीं होता है तो हम जो है सोमवार के बाद हम इसके लिए जो है एक नीति बनाएंगे और जो है क्या कहते हैं एक व्यापक स्तर पर जो है इसके लिए हम संघर्ष जो है करेंगे। और हमारी सरकार से मांग है कि आज ही जो है नोटिफिकेशन जो है जारी की जाए यांगपा टू को पंचायत बनाने की। धन्यवाद।